गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ एक्सरसाइज 1.2 लार्ज नंबर ये करेंगे। पेज नंबर 5 पर आइए। फर्स्ट हम देखो इसमें पुट कॉमास एंड राइट द नंबर नेम। हमने कॉमास लगाने हैं, हर एक पीरियड के बाद लगाने हैं, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने समझा चुके हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट वीडियो जो सबसे पहले वीडियो थी उसमें समझाया था मैंने। देखो इसमें फर्स्ट पीरियड क्या होता है, उसमें 3 डिजिट होते हैं, 1 times 100, इसको 1 पीरियड बोलते हैं। उसके बाद 1000 10000, ये 1 पीरियड है, ये 1000 पीरियड है। उसके बाद लैक पीरियड होता है, ये लैक 10 लैक, ठीक है। अब इसको कैसे रीड करेंगे, ये लैक पीरियड है 78,76,382, यहाँ इसका नंबर नेम यहाँ लिखेंगे 78,76,382। सेकंड समझे हो इसका बी वार्ड, इसका इसमें भी ये जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, ये 1 पीरियड है ये। उसके बाद 1000 पीरियड, उसमें 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 10000, चलिए लैक पीरियड आ गया इसमें। ये कैसे पढ़ेंगे इसको, ये 9,46,520, ये हो गया हमारे पास। ऐसे इसी तरीके से ये है 1 times 100, ये फर्स्ट पीरियड है, ये 1 पीरियड बोलते हैं जिसको। उसके बाद 1000 10000, ये कॉमा आ जाएगा यहाँ पर इसमें, ठीक है। उसके बाद लैक 10 लैक, ये कॉमा आ जाएगा, ये पीरियड है, ये 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लैक पीरियड और 1 करोड़ पीरियड स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो इसको नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 2,74,43,028, तो ये 2,74,43,028। उसके बाद देखो सेकंड सम देखेंगे इसमें, राइट द न्यूमरल्स फॉर द नंबर। ये आपने ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको हमने न्यूमरल्स में लिखना है, म्यूजिकल में लिखना है इसको। जैसे देखो 3,56,00,000, ये क्या आ जाएगा भाई, 3 करोड़। फिर उसके बाद इससे जो फर्स्ट वाला पीरियड होता है ये लैक पीरियड, 56 लैक्स, ठीक है। 20,000, उसके बाद क्या आ जाएगा, 20,000, ये 20,000, 415, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो ये 7,08,00,000, यहाँ पर है 7,08,00,000 है। तो इसमें जो 10 लाख वाली जो डिजिट होती है उसमें ये 10 लाख वाली डिजिट नहीं है, इसमें 0 आ जाएगा, 8 लाख, ठीक है, 7,08,00,000। फिर उसके बाद 3,000, ये 3,000, 700, ये आ जाएगा। इस पैसे लिखना है, अभी अगला हम देखेंगे इसमें, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपने। देखो इसमें आप थर्ड में फोर्थ में उन्हें भी आप सीखते आ रहे, सेकंड से स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 73,205, सबसे पहले 7, इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, ये है 1 times 100,000 10,000 है, 7, तो 70,000 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये प्लस 3 कौन सी प्लेस पर है, ये 1 times 100,000 प्लेस पर है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3,000। इसका एक आसान मेथड ये है, इजी मेथड ये है, जैसे 7 है इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 0 लगा देंगे इसमें,
थ्री के बाद कितने डिजिट है, वन टू थ्री, थ्री डिजिट है, थ्री के बाद क्या लगा देंगे, वन टू थ्री, थ्री जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से इनको कर सकते हो आप, प्लस टू, टू के बाद कितने जीरो है, एक, कितने डिजिट है, टू, टू डिजिट है, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जीरो है, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होगी इसमें, इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी जीरो को। उसके बाद आ जाता है फाइव, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इसी तरीके से ये देखो, ये थ्री, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट्स हैं, कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। प्लस एट, इसमें फोर डिजिट्स हैं, एट के बाद वन टू थ्री फोर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ फोर है, फोर के बाद थ्री डिजिट हैं, फोर जीरो जीरो जीरो, प्लस इसके बाद देखो ये जीरो जीरो, इसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस में आ जाएगा सिक्स, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इसी तरीके से राइट द न्यूमरल्स इन शॉर्ट फॉर्म, ये अगला समझो है, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका ओपोजिट, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखना है आपने। अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक टेन लैक, ये जो टू है ये टेन लैक्स पर है, ये इसकी प्लेस वैल्यू टेन लैक्स देखिए, यहां जाएगा टू, और उससे इससे पहले वाला प्लेस कौन सा है, ये लैक वाला है, ये एट लैक हो गया, यहां पर कितने जीरो है, सिक्स जीरो है, यहां पर फाइव है, तो यहां पर आ जाएगा एट, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ फाइव जीरो, उसके बाद फोर जीरो वाला आ गया, ये थाउजेंड, टेन थाउजेंड प्लेस, यहाँ पर सिक्स, ठीक है। इसको एक इजी मेथड यही है इसका, सबसे पहले यहाँ पर सिक्स जीरो थी, यहाँ पर फाइव जीरो है इसके पीछे, इसके बाद फोर जीरो है, उसके बाद थ्री जीरो आएंगी, ठीक है। थ्री जीरो वाली, इसे थ्री जीरो वाला नंबर नहीं है इसमें, तो उसका हम जीरो लगा देंगे, इसमें थ्री जीरो के बाद आता है टू जीरो, टू जीरो वाला नंबर नहीं है, उसका भी जीरो लगा देंगे। उसके बाद वन जीरो वाला नंबर ये है फोर्टी, इससे आ जाएगा फोर, ठीक है। उसके बाद थ्री, ये हमारा क्या हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, क्या हो गया, ये 28,60,043, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसकी। इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये 9 लैक्स है, तो इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इनके 0,0,0,0, ठीक है। उसके बाद 2,3,1, ये आ गया, ठीक है। इसमें 9,231, इस तरीके से इसमें देखो 7 क्या है, 1,10,000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 ,10,
थ्री, इसके बाद यहाँ पर फोर डिजिट वाले नंबर नहीं है यहाँ पर, इसमें इसमें आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद फाइव टू एंड जीरो फाइव, हमारे पास ये क्या बन गया, 7,63,5,205, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसी तरीके से इसमें एक सम और है, वो खुद करके देखोगे आप, इसमें इसी तरीके से करना है। इसमें अगला देखो, अब इसमें अब देखो ये फिफ्थ सम करेंगे अब इसमें, ये विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट, ये बताना है आपने इसमें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। देखो स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए, स्मॉलर और ग्रेटर देखने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए, ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने डिजिट्स के नंबर हैं। ये जैसे ये 7 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है, और ये भी 7 डिजिट का नंबर है, ये भी 7 डिजिट का नंबर है। अगर जो जिसकी डिजिट ज़्यादा होती है तो वो नंबर सबसे बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वल होती है तो उसके बाद हम आगे से देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। उसके बाद ये भी सेकंड डिजिट भी इसकी इक्वल है, थर्ड डिजिट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, देखो
ये जो स्मॉलर नंबर है ये थ्री है, ये भी थ्री है, मतलब इससे बड़े हैं ये, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इनमें है ये है, तो हम इस पे लगा देंगे, ये है 10,27,368, या सर्कल लगाना है इसके ऊपर, ये 14,4 है, ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखो ये है 1,29,08,163, ऐसे इसमें देखो ये 29 लैक्स है, इसमें ये 18,000 है, यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर ये है सबसे छोटा, देखो स्मॉलेस्ट 1,29,243 ये आ जाएगा इसमें, ये 243 ये वाला इसमें, इसी तरीके से इसमें 2,67,889, यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 69 है, यहाँ पर ये, तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, सबसे स्मॉलेस्ट आ गया ये। उसके बाद है 26, 28 और ये 20 आ गया यहाँ पर, देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये 20 वाला हो गया, देखो ये 20,48,007 है, ये 28 लाख है, 26 लाख है, तो इसमें आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर है ये, इसमें ये, तो इस तरीके से करना है आपने ये। थैंक यू।